दोस्तों नमस्कार, मंथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज अपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ इस अपनी कंप्यूटर की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ये कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से भी और सिलेक्शन की दृष्टि से भी। एग्जाम की दृष्टि से तो ये इसलिए वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और सिलेक्शन की दृष्टि से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 100 में से 20 बच्चे इनको पढ़ते हैं और 20 में से 5 बच्चे एग्जाम में जाते जाते इनको सही कर पाते हैं। तो आपको उन 5 बच्चों के अंदर आना है ताकि आप सिलेक्शन अपना निश्चित कर सको। अब हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अपन 4 प्रकार पढ़ेंगे। पहला अपन आएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा अपन आएगा ऑक्टल। तीसरा आएगा डेसिमल। और चौथा अपना आएगा हेक्साडेसिमल। ये 4 नंबर सिस्टम अपन पढ़ेंगे। पहला है अपना बाइनरी, इसको हिंदी में बोलेंगे द्विआधारी। संख्या पद्धति, ऑक्टल को बोलेंगे अपन अष्टक, संख्या पद्धति। डेसिमल को बोलेंगे दशमिक, संख्या पद्धति। हेक्साडेसिमल को अपन बोलेंगे षट दशमिक, संख्या पद्धति। ये 4 अपने हो गए। पहला है द्विआधारी संख्या पद्धति, दूसरा है अष्टक संख्या पद्धति, तीसरा हो गया दशमिक संख्या पद्धति, या इसको अपन दशमलव संख्या पद्धति भी बोल सकते हैं। चौथा अपना हो गया षट दशमिक संख्या पद्धति। पहला क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि निम्न में से जो संख्या पद्धति है कौन सी नहीं है। 3 तो इनमें से दे देगा, चौथा कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, जैसे BCD दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। BCD है वो अपना कोड है, तो इसके अंदर BCD अपना आंसर हो जाएगा। अगला पूछ सकता है कि ये जो संख्या पद्धति है इनका बेस यानी आधार क्या होता है। तो अपन पास लिए बात करेंगे इनके आधार की। तो अपनी द्विआधारी संख्या पद्धति है, इसका आधार होता है 2। ऑक्टल का आधार हो जाएगा अपना 8, दशमिक का आधार हो जाएगा 10, और जो षट दशमिक है इसका आधार हो जाएगा अपना 16। यह तो अपनी हो गई आधार यानी बेस की बात। इसको बेस भी कह सकते हैं अपन और रेडिस भी कह सकते हैं। बेस भी पूछ सकता है और अपने से वो रेडिस भी पूछ सकता है। अब अगला क्वेश्चन वो पूछता है कि द्विआधारी संख्या पद्धति है इसके अंदर कितने अंक होते हैं। तो इसके अंदर 0 या 1 2 अंक होते हैं। ऑक्टल के अंदर 8 अंक होते हैं, कौन से 0 से 7 तक। और जो अपने दशमिक संख्या पद्धति है इसके अंदर 10 अंक होते हैं, कौन कौन से, तो होते हैं 0 से 9 तक। चौथी अपनी षट दशमिक संख्या पद्धति, तो इसके अंदर 16 अंक होते हैं 0 से लेकर 8 तक। ये अपनी जो 4 संख्या पद्धति है उनके अंदर अंकों की संख्या हो गई। अगर ये पूछे कि अष्टक संख्या पद्धति के अंदर रेडिस कितने, तो रेडिस 8 होते हैं यानी 0 से 7 8 अंक होते हैं। अब ये यहाँ तो 0 से 9 संख्या, लेकिन यहाँ 0 से 8 तक है, तो इनका क्या मतलब है वो देखते हैं। तो 0 से 9 तक तो इसमें संख्या हो जाएगी 10। 11 नंबर पे यहाँ आएगा
ए, 12 नंबर पे आएगा बी, 13 नंबर पे आएगा सी, 14 नंबर पे आएगा डी, 15 नंबर पे आएगा अपना ई, 16 नंबर पे आएगा अपना एफ। तो ये संख्या हो गई, 10 संख्या तो ये हो गई और 6 संख्या ये हो गई, यानी तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेके एफ तक। ये बात है। तो अब अपन वापस देख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अष्टक संख्या पद्धति है इनमें से निम्न में से कौन सा अंक नहीं होता है। तो ऑप्शन दे देगा 1, 2, 7, 8। तो अपनी इसकी रेंज है वो कौन सी है, 1 से लेकर 7। तो 7 तक तो अंक इसके अंदर आएंगे, लेकिन 8 है वो इसके अंदर नहीं आएगा। ऐसे ही पूछ सकता है दशमिक संख्या पद्धति के अंदर कौन से अंक होते हैं, तो 0 से 9 तक हो जाएंगे। षट दशमिक के अंदर पूछ लेगा, बाइनरी के अंदर पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा अंक बाइनरी संख्या पद्धति के अंदर होता है। तो वो ऑप्शन में दे देगा 1, 2, 3, 4, कुछ भी दे सकता है, 0 और 1। अपन को याद रखना है 0 या 1 ये होता है बाइनरी संख्या पद्धति के अंदर दो अंक होते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं। तो आगे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस हिसाब से पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे इनको आपस में इंटरचेंज करवाता हो, बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को डेसिमल में, या डेसिमल को बाइनरी में, इनमें आपस में वो है ना वो चेंज करवाता है। जैसे अपन को देता है कि बाइनरी को डेसिमल में चेंज करो, पहला क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हाल ही की जो एग्जाम हुई थी एचएम की, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि बाइनरी को ऑक्टल के अंदर चेंज करिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन उसके अंदर पूछा गया था इस टॉपिक से, उसने दो संख्या दी थी कि 0, 1, इनका दोनों का सब्ट्रैक्शन पूछा था कि 100 में से 0, 1, 1 को आपको माइनस करना है। ये दो क्वेश्चन उस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। तो ये इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अपन आगे बात करेंगे इनके इंटरचेंज के बारे में, यानी बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, यानी वाइस वर्सा, इसको इसमें डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो पहला टॉपिक हम रखते हैं डेसिमल, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना। अपना पहला आता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी बाइनरी को डेसिमल के अंदर चेंज करना। जैसे अपने एक बाइनरी की संख्या ले लेते हैं 11011, ये बाइनरी की संख्या हो गई, इसको चेंज करना है अपन को डेसिमल के अंदर। डेसिमल का आधार 10 होता है, बाइनरी का आधार 2 होता है, ये भी अपने बात की इसके ऊपर। अब इनको चेंज कैसे करेंगे, तो इसका पहला मेथड है, जो ये अपन को बाइनरी की संख्या दी है इसको ऐसा कैसा आप लिख दो 11011, जो संख्या दी है उसको ऐसा कैसा लिख दो। फिर क्या करना है, इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इन सब के बीच में प्लस का निशान लगा दो, आप प्लस का निशान लगा दिया। अब क्या करना है, अब इधर से शुरू करना है आपको, ये 2 की जो ये 2 लिखा है इसके ऊपर पावर लगानी है, शुरू करना है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, इतना काम कर लिया। अब इनको आपको हल कर लेना है, 2 की पावर 0 का मान होता है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 की पावर 2 4, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 2 की पावर 3 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, इन सबको आप ऐड कर लो, 16, 8, 24, 24 से 2, 26 और 1, 27, अपन को मिला है 27, ये हो गया डेसिमल के अंदर, यानी 11011,
बाइनरी का लेगा 27 डेसिमल के अंदर। दूसरा तरीका इसका है, आप इधर से शुरू करो, एक से, एक दो, नहीं डबल कर करके लिखना है, दो का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, से इधर चलता रहेगा। अब अपने जो संख्या दी है इस संख्या को इसके नीचे लिख दो, तो अपन को दिया है 1 1 0 1 1, ये अपनी संख्या दी है, जहाँ जहाँ 1 1 है उसको ऐड कर लो, 0 है उसको छोड़ दो, जहाँ 1 1 है उसको ऐड कर लो, तो अपन 16 8 24 24 से 2 26 27, यहाँ से भी अपन को मिलेगा 27। आप इस तरीके से करो या इस तरीके से, जो आपको अच्छा लगे उससे करना, लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। अब ये तो अपने हो गई सीधे नंबरों की बात, अब वो कई बार एग्जाम के अंदर पॉइंट की जो संख्या होती है उसके बारे में भी पूछ लेता है, तो हम चर्चा करते हैं पॉइंट वाली संख्या के ऊपर, क्योंकि आपको एक स्टेप आगे चलना है, वो एग्जाम में यहाँ तक पूछता है तो आपको पॉइंट वाली संख्या भी का भी ध्यान रखना है, ताकि अगर एग्जाम के अंदर वो पॉइंट वाली संख्या भी पूछे तो आपका क्वेश्चन तो जरूर सही हो। अपनी संख्या हो गई 0.101, ये पॉइंट के अंदर संख्या आ गई, इसको चेंज करना है अपन को डेसिमल के अंदर। अभी आपने सिंपल संख्या को चेंज किया था, उसको कैसे किया था, अब इसको कैसे करना है वो आप देख लो। उस संख्या के अंदर आपने क्या किया था, जो संख्या दी हुई थी उन संख्या को आपने ऐसा कैसा लिखा था, उसके बाद क्या किया था आपने, सभी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया था। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या किया था, इनके सबके बीच में प्लस का सिंबल लगाया था। अब आपने सिंपल संख्या के अंदर क्या किया था, इधर से शुरू किया था और 2 की पावर 0 से लगाते हुए 0 1 2 लगा रहे थे। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा उल्टा करना है, आपको इधर से चलना है और क्या करना है, 2 की पावर 0 से शुरू ना करते हुए आपको -1 से शुरू करनी है, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, ठीक है। अगर आप यहाँ 2 की पावर -1 करोगे यानी 1/2 हो जाएगा प्लस, यहाँ तो वैसे 0 होना है लेकिन एक बार करके देख लो, 2 की पावर -2 करोगे यानी 1/4 प्लस 1 × 2 की पावर -3 करोगे यानी कि 1/8, ये यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 0.5 प्लस, यहाँ तो ये 0 होना ही है प्लस, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 0.125। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ोगे 0.5 प्लस 0.125 तो ये हो जाएगा 0.625, ये हो गया अपना डेसिमल के अंदर। अपनों को पूछा था 0.101 बाइनरी के अंदर, 0.101 बाइनरी को चेंज किया अपने डेसिमल के अंदर तो आया 0.625, ये अपनी बात हो गई बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के बारे में। अब आगे अपनी बात होने वाली है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अगला पॉइंट अपना है, दूसरा पॉइंट ले लो, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसके अंदर वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो आपको जैसे अभी आपने किया है तो वही संख्या ले लेते हैं 27 डेसिमल के अंदर है, आपको क्वेश्चन देखा 27 का आधार 10, इसको चेंज करना है आपको बाइनरी के अंदर, ऐसे वो पूछेगा, तो आपको क्या करना है, ये जो 27 है जिसका आधार 10 है उसको बाइनरी फॉर्म में आपको चेंज करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 27 ऐसे कैसा लेना है, अपन बाइनरी से डेसिमल के अंदर कन्वर्जन कर रहे थे उस टाइम क्या कर रहे थे, अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें अब क्या होगा, इसके अंदर आपको डिवाइड करना है, यानी 27 को 2 से डिवाइड करना है। अगर 27 के अंदर आप 2 का भाग दोगे तो हो जाएगा
13 बार, एक यहाँ शेष फल बचेगा। तो शेष फल बच रहा है, आपको उसको बाहर निकालना है, आपका काम है शेष फल को बाहर निकालना, ठीक है। फिर 13 के अंदर 2 का भाग दोगे तो जाएगा 6 बार, फिर एक शेष फल बचेगा। फिर 6 में 2 का भाग दोगे तो जाएगा 3 बार, यहाँ 0 शेष फल बचेगा। आपको क्या करना, सिर्फ शेष फल है उसको बाहर निकालना है। फिर 3 में 2 का भाग दोगे तो जाएगा 1 बार, एक शेष फल बचेगा। अब ये लास्ट में 1 बच गया ना, इस 1 को भी आपको शेष फल के रूप में लाना है, यानी यहाँ 0 करना है। तो 2 का भाग दोगे तो यहाँ आ जाएगा ये 1, यानी जो लास्ट में 1 बचे उसको भी आपको शेष फल के रूप में लाना है, और इनको आपको नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। तो इसका ये आ गया 11011, ये आ गया बाइनरी के अंदर 27। दो डेसिमल के अंदर था, उसको अपने बाइनरी के अंदर चेंज किया तो आया 11011। ये तो हो गया अपना पहला तरीका। अब अपने इसके दूसरे तरीके की बात करते हैं, वो देखो आप। अपना दूसरा तरीका वही है, इधर से शुरू करो 1 से और डबल करते जाओ, लिखते जाओ। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अब अपनी संख्या देखनी है, अपनी संख्या क्या है 27। तो आपको देखना है कि जो 27 की लिमिट है वो कहाँ तक है, यानी ये 27 है ये कहाँ तक पहुँचता है। तो ये 16 और 32 के बीच में आएगा। तो आपको बड़ी वाली संख्या है ना उसको नहीं लेना है, जो इसके नज़दीक जो छोटी वाली संख्या है ना उसको लेना है। तो 27 के नज़दीक संख्या आएगी 16, छोटी संख्या ये है, नज़दीक जो 27 की आ रही है इसके नीचे 1 लिख देना है, ठीक है। अब अगर 27 में से अपन 16 को माइनस करेंगे तो बचेंगे 11। उस 11 की अब आपको रेंज देखनी है, तो 11 की रेंज 11 आएगा यहाँ 8 और 16 के बीच में, तो आपको छोटी वाली संख्या देखनी है। तो 11 के नज़दीक छोटी वाली संख्या है 8, तो 8 के नीचे 1 लिख देना है। अब 11 में से अगर आप 8 माइनस करोगे तो आपके पास बचेंगे 3, 3 आएगा यहाँ 2 और 3 4 के बीच में, तो आप 3 की रेंज देखोगे तो वो आएगी 2 पे, तो यहाँ 1 लिख देना है। 3 में से आप 2 माइनस करोगे 1, तो 1 के नीचे आ गया तो यहाँ 1 लिख देना है। जो जहाँ जहाँ 1 आ गए वहाँ तो ठीक है, नहीं आया वहाँ 0 लिख दो। इधर 0 नहीं लिखना है क्योंकि अभी तो 27 की रेंज थी वो 16 तक की थी, ये तो बताने के लिए लिखा कि ऐसे डबल चलेगा। अपनी ये आ गई 11011, तो अपनी बाइनरी आ गई 11011। ये 27 इंटरचेंज हो गया अपना बाइनरी के अंदर, ठीक है। क्या करना आपको, 1 से शुरू करना है, डबल करते करते लिखते चले जाना है। फिर क्या करना आपको, रेंज देखनी है कि ये जो अपनी संख्या दी हुई है इसकी रेंज कहाँ तक है। तो छोटी वाली संख्या लेनी है, कहीं आप बड़ी वाली संख्या मत ले लेना, छोटी वाली संख्या लेनी है। 27 की रेंज आई 16 तक, क्योंकि 27 16 के आगे आएगा 32, 32 27 से बड़ा हो जाएगा, तो अपन लेंगे 16। जो 27 में की रेंज आ गई 16 तक, 16 के नीचे 1 लिखा, 27 में से 16 माइनस किया 11 बचे। फिर 11 की रेंज देखेंगे वो आएगी 8 तक, तो 8 के नीचे 1 लिखेंगे, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो आएंगे 3। 3 की रेंज आएगी 2 तक, 2 के नीचे 1 लिखेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1 की रेंज आ गई, ठीक है। तो 1 के नीचे आ गया। आपको रेंज या तो बराबर होनी चाहिए वो, या फिर छोटी होनी चाहिए, वो देखना है। अब ये तो हो गई अपनी सिंपल संख्या की बात, वो सिंपल संख्या पूछते पूछते वो पॉइंट वाली संख्या भी पूछ सकता है, तब अपन बात करेंगे पॉइंट वाली संख्या की। पॉइंट वाली संख्या के अंदर जैसे अपन लेते हैं 0.6875, ये अपना हो गया डेसिमल के अंदर, इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी के अंदर। अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे, जो ये संख्या दी हुई इसको लिख लो ऐसा कैसा। जो सिंपल संख्या थी उसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर आपको क्या करना है वो देखिए, आपको इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी तो जो संख्या दी हुई है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को 2 से करोगे 10, 1 करिए 7, 2 14, 1 15,
आठ दो 16 और 1 17, 6 2 12 और 1 13, ये संख्या आ गई, इधर आ गया पॉइंट। ठीक है, वापस 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 2 से करोगे 0, 5 को 2 से करोगे 10, 7 2 14 और 1 15, 3 6 1 7 आ गया पॉइंट 0। ठीक है, आगे करो, 2 को 0 से करोगे 0, 2 को 0 से 0, 5 को 2 से करोगे तो 10, 7 को 2 से करोगे 14 और 1 15। ठीक है, पॉइंट के इधर 1 आ जाएगा, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये आ गया 0 0 0, 5 2 10। आपको मल्टीप्लाई कब तक करना है, जब ये इधर 0 नहीं हो जाए, यानी इधर पूर्ण वर्ग पूर्ण संख्या नहीं हो जाए और इधर ये 0 0 नहीं आ जाए। अब आपने सिंपल संख्या के अंदर क्या किया था, नीचे से शुरू किया था और इनको लिख रहे थे, लेकिन पॉइंट वाली संख्या के अंदर आपको क्या करना है, ऊपर से शुरू करना है और फिर लिखना है। तो ऊपर से शुरू करेंगे तो अपना आ जाएगा 1, ये 0, फिर 1 1, इधर पॉइंट और 0 है, ये अपनी संख्या आ गई बाइनरी के अंदर। अपने जब चेंज किया इनको 0.6875 जो डेसिमल के अंदर था, इसको अपन चेंज किया बाइनरी के अंदर, तो आया अपना आया 0.1011। ये बात हो गई अपनी पॉइंट वाली। वो कभी संख्या और पॉइंट दोनों साथ में भी दे सकता है, जैसे वो अपन को दे सकता है 27.125। ये डेसिमल के अंदर अपन को संख्या दे दी और अपन को पूछेगा कि इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके बताओ। तो अपने जो सिंपल संख्या है उनका अलग से सिक्का है, पॉइंट वाली संख्या का भी अपने जो ये बाइनरी के अंदर कन्वर्जन है इसको सिक्का है। तो इसका आप 2 भाग कर लो, ये समझने के लिए अपना सीधा ही कर लेना, आप इसको आप 2 भागों में बांट दो। तो 27 को अभी आपने चेंज किया था 2 से मल्टीप्लाई करके, नहीं 2 से डिवाइड करके, तो अपना आंसर आया था 11011। ये हो गया अपनी 27 की बाइनरी। अपने अभी पॉइंट वाली संख्या को किया ही है, इसको वापस एक बार बता देता हूँ पॉइंट वाली संख्या को, ताकि कोई कन्फ्यूज ना रहे। इसको आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.52। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.050। फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.05 10। ये आ गया, ये इधर अपने 0 हो गया। अब इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखना, यानी ये संख्या आपको लिखनी है। तो 27 की बाइनरी हो गई 11011। आगे पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए, उसके बाद ऊपर से शुरू कीजिए। तो ऊपर से शुरू करोगे तो आएगा 001। ये आ गई अपनी बाइनरी, किसकी, 27.125 की बाइनरी आ गई अपनी 11011.001। ठीक है, ये अपनी बात हो गई बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की। अगली क्लास में अपन जो बाकी जो कन्वर्जन बच गए उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम के अंदर जो ये संख्या पद्धति है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसको ध्यान से समझना है, रिपीट करके वीडियो को वापस देखना है, और जो ये एग्जाम्पल बताए हैं इनको देख के दूसरे एग्जाम्पल आपको लेके इनको सोल्व करना है। कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगली क्लास के अंदर उन जो प्रॉब्लम आएगी उनके ऊपर चर्चा हम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। धन्यवाद।